तो ये भी आइंस में ब्रेक हो जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डालेंगे तो ये भी आइंस में ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसको पानी में डालेंगे ये भी आइंस में ब्रेक हो जाता है। जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे वाटर में तो ये भी ब्रेक हो जाता है। कुछ ज़्यादा ब्रेक होते हैं, कुछ कम ब्रेक होते हैं, वो आप समझ गए कौन। अब इन चार्ट एग्जांपल्स को देख के, ये बेसिस है, ये भी एक फैमिली का नाम है और फैमिली में कोई चीज़ कॉमन होती है तो क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है? ये सारे बेसिस है कि जब पानी में डालते हैं तो कॉमन चीज़ क्या नजर आ रही है? सोडियम, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वो तो हर एक में अलग अलग है। पॉजिटिव आयन हर एक में अलग है, वो तो कॉमन है ही नहीं। कॉमन कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन। जो कॉमन है उसकी वजह से बेस बोल रहे हैं, तो उसी जो कॉमन चीज है उसी से डिफाइन होगा फैमिली, यानी बेस की जो फैमिली जिसे हम बेस बोलते हैं। तो बेसिस आर दोस कंपाउंड विच वैन डिजॉल्व इन वाटर, विच वैन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस कौन सा आयन देंगे जो सब में कॉमन है? हाई ओ एच आयन ओनली एज नेगेटिव आयन, यानी नेगेटिव आयन कोई दूसरा नहीं होगा। अगर कोई दूसरा नेगेटिव आयन होगा तो वो बेसिक हो सकता है लेकिन बेस नहीं होगा। यानी ओ एच आयन के अलावा नेगेटिव आयन को और से भी बहुत से कंपाउंड देते हैं, ओ एच आयन भी देंगे और साथ में नेगेटिव आयन को ही और से भी देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं कि एग्जाम्पल कंपाउंड है Cl, CHONCl, ये एक कंपाउंड मिसाल के तौर पे, यानी बेसिकली ये OH से भी इसका लिंक है और Cl से भी इसका लिंक है। तो जब इसको हम पानी में डालेंगे ठीक है तो ये देगा CaIn प्लस OHIn प्लस ClIn। अब OHIn तो यहाँ भी बन रहा है लेकिन Cl के साथ बन रहा है। बेस ये बेस नहीं है, बेसिक सॉल्ट है। आई बात समझ में? कौन होगा? ये है सारे बेस। तो क्या डेफिनेशन होगी? बेसिस आर जैसे एसिड्स थी, एसिड्स आर दोस्त का पाउंड विच वैन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ओनली एस पॉजिटिव आयन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आयन नहीं है, दूसरा आयन तो है लेकिन जो कॉमन आयन है वो कौन है? हाइड्रोजन आयन है और वो अकेला पॉजिटिव आयन है, साथ में कोई दूसरा पॉजिटिव नहीं है। तो बेस में भी इसी तरह आएगा, बेसिस आर दोस कंपाउंड विच वैन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस ओ एच आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ओनली एज नेगेटिव आयन। तो ये एग्जाम्पल आ जाएगी। बेसिस में भी दो कैटेगरीज है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेसिड बेस में आते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? वही बिल्कुल वही कैटेगरी पे चलेगी डेफिनेशन, उसी पैटर्न पे। दोज बेसिस विच वैन डिजॉल्व इन वाटर ब्रेक अप इनटू आयंस कंप्लीटली, सीधा सा वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑन दोज बेसिस विच वैन डिजॉल्व इन वाटर डू नॉट ब्रेक अप इनटू आयंस कंप्लीटली, थोड़े से ब्रेक, कितने परसेंट होते हैं उसका मतलब नहीं है लेकिन पूरे ब्रेक नहीं होते। उन्हें क्या बोलते हैं हम? जैसे जो हाइड्रोक्साइड आयन कम देते मास में तो ज़्यादा थे लेकिन जब ब्रेक हुए तो आयंस उन्होंने कम दिए, जो कि ब्रेक कम हो रहे हैं, बाकी यूनाइटेड रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यूनाइटेड रहते हैं, अलग नहीं होते। ये बात समझ में आया? उन्हें क्या बोलते हैं हम? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड था ऐसे ही वीक बेसिस भी उससे मिलता जुलता हो। बात समझ में आ गई आपकी? क्लियर हो गया? अब हम चल रहे हैं इसके बाद
अब मैं सॉल्ट्स को बाद में लूंगा, सॉल्ट्स को बाद में लूंगा, अब हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज लेंगे, फिर हम बेस की प्रॉपर्टीज लेंगे, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कॉमन प्रॉपर्टीज से मतलब कुछ एसिड्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, लेकिन हम वो लेंगे जो सब शो करते हैं, और डाइल्यूट एसिड की लेंगे पहले, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड एसिड में बहुत सौ की प्रॉपर्टीज कुछ अलग से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं जो डाइल्यूट एसिड शो नहीं करते, तो वो हम एक एक करके लेंगे। समझ में आया? पहले हम इसमें लेंगे इंडिकेटर के साथ, केमिकल इंडिकेटर क्या होता है, ये चैप्टर में शुरू में था। इंडिकेटर किसे कहते हैं? हम डॉक्टर कारों में उसमें इंडिकेटर लगा होता है जो हमें रास्ता बताए, इंडिकेट करे हम लेफ्ट को जाएंगे या राइट को जाएंगे, वो इंडिकेटर कहलाता है। फिजिक जो मैकेनिकल वो होता है कारों में बसों में, केमिकल इंडिकेटर उस केमिकल को कहते हैं जो हमें ये इंडिकेट करे कि गिवन सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, एसिड है बेस है या एसिडिक है या बेसिक है न्यूट्रल है, यानी एसिड जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा या बेसिक करेगा या न्यूट्रल। जैसे टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट इंडिकेटर पे अगर हम लगाएंगे तो वो शो करेगा कि ये बेसिक नेचर का है। क्या आगे चल के आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि हमारे खाने दांतों से खाने शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं खाने के वो रिएक्ट करते हैं और ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज होते हैं और एसिड बना देते हैं, अब वो एसिड हमारे दांतों को ख़राब करता है, टूथ डिके जिसे कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एसिड ख़राब ना, तो एसिड बने ही नहीं, और जब बनेगा नहीं तो ख़राब भी, तो हम क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट थोड़ी सी बेसिक नेचर होती है ताकि जो थोड़ा बहुत एसिड बन रहा है बन सकता है वो उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे और दांत खराब ना हो। अब कोई भी आप टूथपेस्ट उठा के देखिए थोड़ा सा बेसिक होगी, ये बात समझ में आ रही है? तो इंडिकेटर आर दोस केमिकल्स, वो केमिकल इंडिकेटर भी कहते हैं विच इंडिकेट्स वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, और तीन कैटेगरीज है, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। भाई एसिडिक होगी या बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, उस इससे अगर ये पता चल जाए ये एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है तो हम बताते ही है क्या नाम है, इस केमिकल को हम यूज़ करें या ना करें। अब देखिए ये खाने के पैकेट्स में आमतौर से एसिडिक कैरेक्टर इंडिकेट किया जाता है पीएच स्केल से, पीएच वैल्यू लिखी होती है। पीएच क्या होता है ये इसी चैप्टर में हम आगे चल के पढ़ेंगे। पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है, 6 है या 5 है, इसका मतलब है वो एसिडिक है, इसका मतलब है जब वो पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेंगे, वह हाइड्रोजन आयन एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करते हैं, प्रॉपर्टीज पैदा करती है। और अगर पीएच की वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो बेसिक नेचर का है, यानी अगर वो पानी में डालें तो OH आयन ज़्यादा बनेंगे, H आयन भी बनेंगे लेकिन OH ज़्यादा बनेंगे। और अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास है इसका मतलब है वो न्यूट्रल है, यानी ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ये बात समझ में आया? तो इंडिकेटर आर दोस केमिकल्स विच, अब उन केमिकल के तौर पे एक कॉमन इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं लिटमस। क्या लिटमस कॉमन इंडिकेटर है? इसके अलावा और भी केमिकल्स हैं जो हम जो कलर चेंज कर लेते हैं, एसिड में एक कलर देते हैं और बेस में डिफरेंट कलर देते हैं, तो हम पता चल जाता है वो पर्टिकुलर कलर जो वो एसिड में देते हैं, अगर वही कलर आ रहा है तो हम पहचान जाएंगे ये एसिड है, और अगर वो दूसरा कलर दे रहा है तो हम पहचान जाएंगे ये बेसिक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो इंडिकेटर से रिलेटेड होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड की भी साथ में बेस की, फिर हम सॉल्ट पे आ जाएंगे।